नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। राजस्थान में पिछले साल की तरह इस बार भी बेरोजगारों के सरकारी नौकरी पाने के सपने को कोरोना का ग्रहण लग चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में 60,000 से अधिक पदों पर अलग अलग भर्तियां अटकी हुई है। इनमें से 17 भर्तियां ऐसी हैं जो प्रक्रियाधीन है और उनके लिए आवेदन भी लिए जा चुके हैं। वहीं रीट और आरएएस भर्ती 2018 जैसी परीक्षाएं कई सालों से चली आ रही हैं। कोरोना के चलते इन भर्तियों की प्रक्रिया में देरी होनी तय है। कुल मिलाकर प्रदेश में 40,00,000 से अधिक अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं। जिन परीक्षाओं की तिथि घोषित हो चुकी है उनके लिए भी अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है, वह भी तब जब कोरोना का संक्रमण कुछ हद तक कम हो जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार को ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नए प्रावधान लागू करके फॉर्म रीओपन करने चाहिए। इसके तुरंत बाद परीक्षा तिथियों की भी घोषणा कर देनी चाहिए। रीट का आयोजन 20 जून को होना है, लेकिन जून में राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित हुई या कोरोना के मामले नहीं घटे तो रीट भी मुश्किल है। इसके अलावा अभी इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नए प्रावधान भी लागू होने हैं। आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होनी है, इसको देखते हुए रीट के अभ्यर्थियों को अभी परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। आरएएस भर्ती 2018 भी लंबी, 3 साल से चल रही 1,051 पदों की आरएएस भर्ती 2018 में प्रक्रिया किसी तरह साक्षात्कार तक पहुंची थी, लेकिन अब कोरोना के चलते आरपीएससी को इंटरव्यू स्थगित करने पड़े। आयोग 2009 अभ्यर्थियों में से केवल 275 के साक्षात्कार ही ले पाया और 1,034 के साक्षात्कार बाकी रह गए। ऐसे में भर्ती में देरी संभव है। परीक्षा में देरी के 4 प्रमुख कारण। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई भर्तियां ऐसी है जिनमें लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, इसलिए जब तक कोरोना पर कंट्रोल नहीं होगा परीक्षा होना मुश्किल है। प्रक्रियाधीन भर्तियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के नए प्रावधान लागू होने हैं। आवेदन की प्रक्रिया रीओपन होगी, इसमें जितनी देरी परीक्षा उतनी ही लेट होगी। राजस्थान बोर्ड की मई में होने वाली परीक्षाएं स्थगित हो गई है। कोरोना के मामले घटे तो ये परीक्षाएं जून या जुलाई में हो सकती है। इस कारण प्रतियोगी परीक्षाएं जुलाई के बाद ही हो सकेंगी। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की परीक्षाएं मई में होनी थी, ये स्थगित हो गई हैं। इन परीक्षाओं के जुलाई में होने की उम्मीद है। ऐसे में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा इसके बाद ही होगी। बीएड में प्रवेश के लिए पीटीईटी 2021 के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 5.50 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन परीक्षा तिथि तय नहीं है। बोर्ड परीक्षा से पहले आवेदन की स्थिति में विद्यार्थी प्री डीएलएड के लिए आवेदन नहीं कर पाए। इस परीक्षा के लिए डीएलएड पाठ्यक्रम की 24,000 से अधिक सीटों पर प्रवेश होता है। सरकारी भर्तियां काफी लंबे समय से विभिन्न कारणों से अटकी हुई है और अब ऐसे में कोरोना संक्रमण ने उसमें आग में घी डालने का काम किया है। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों सरकारी भर्तियां समय पर आयोजित करवाने को लेकर एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन अब जब तक कोरोना संक्रमण पर काबू नहीं पा लिया जाता तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना असंभव है। वहीं माना जा रहा है कि सरकार जिस खूबी से कोरोना संक्रमण पर काबू पाने का काम कर रही है उसी खूबी से इस मामले का भी समाधान निकाला जाएगा।